हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो जो कैंडिडेट कल अर्थात 4 तारीख से 8 तारीख के मध्य अपना पेपर देने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का स्टार फर्स्ट 2020 का, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, उसका हम क्या करें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको ऐसा क्या भरना है कि वहाँ आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं स्टार फर्स्ट 2020 COVID-19। आपको इसमें किसी भी प्रकार के कोई लक्षण तो नहीं है COVID-19 को लेकर, इसमें आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना है, ये सब के आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर। तो आपको यहाँ से ट्रेवलिंग हिस्ट्री भरनी है, आप फर्स्ट पॉइंट को भी देख सकते हैं। ट्रेवलिंग हिस्ट्री आपको कहाँ से कहाँ तक आपने जर्नी तय की है यहाँ पर लिख रखा है, आप इस पॉइंट को भी देख सकते हैं। ट्रेवलिंग फ्रॉम और ट्रेवलिंग टू, आपने जो जर्नी की थी कहाँ से कहाँ तक की थी, अर्थात आपका जो एड्रेस है आप किस स्थान से बिलोंग करते हैं आपको वहाँ यह भरना है, और आप कहाँ जा एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ आपको वह पॉइंट भरना है। एग्ज़ाम सेंटर आपका एग्ज़ाम कोड दिया गया है इन कैंडिडेट का, और वहाँ आपको नेम लिखना है आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है कहाँ है, आपको यहाँ सब कुछ भरना है। जैसे किसी कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम सेंटर है दिल्ली है, तो उसको वहाँ जो एड्रेस लिखना है दिल्ली लिखना है, और साथ साथ में जो एड्रेस दिया गया है लोकल किस कॉलेज में है और कहाँ है, तो ये सब कुछ आपको वहाँ भरना है। तो आप फर्स्ट पॉइंट को देख सकते हैं। डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, आपको इसमें से किसी भी प्रकार के कोई लक्षण तो शो नहीं है। तो आप फर्स्ट नंबर को भी देख सकते हैं सिम्टम्स, और यहाँ आपके सामने जो राइट साइड है उसमें जो कॉलम में दिया गया है, एक कॉलम में यस दिया गया है तो वहीं दूसरे कॉलम में नो दिया गया है। और जो आपकी फर्स्ट रो, आप इस रो को भी देख सकते हैं, आपको फीवर तो नहीं है, फीवर मतलब का जो बुखार है टेम्परेचर है 38 डिग्री से हाई तो नहीं है, आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का 38 डिग्री से हाई तो नहीं है। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ सिम्टम्स में आप यस या फिर नो आपको ऑब्जेक्शन भरना है। तो आप नो का यहाँ से टिक लगा सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करते हो, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई बुखार नहीं है। आई होप आप मैं जो बता रहा हूँ वही भर के ले जाएं, आप यहाँ से नो टिक करके ले जाएं। कफ तो नहीं है तो इस कफ में भी आप नो करके ले जाएं। आपका ब्रीथलेसनेस तो नहीं है तो इसमें भी आप नो करके ले जाएं। वहीं आपका सॉर थ्रोट अर्थात गले में खराश तो नहीं है तो इसको भी आप यहाँ से नो करके ले जाएं। तो जितने भी यहाँ सिम्टम्स शो किए गए हैं आप नो नो पर टिक लगा सकते हैं। अदर्स प्लीज़ स्पेसिफाई, यदि आपको कोई अदर है या कोई और पॉइंट छूट गया है, या उस पॉइंट को आप माइंड में ध्यान रखते हो, यदि आपकी बॉडी उसको अटैच में है तो आप यहाँ से इसको लिखकर नो कर सकते हो या फिर यस कर सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ इस कॉलम को खाली ही रहना देना चाहिए, क्योंकि इसने इतने सारे जो लक्षण थे सभी यहाँ शो कर दिए गए हैं और हमने शायद सभी पर टिक भी लगा दिए। तो आप यहाँ से, मैं फर्स्ट सजेशन आपको यही दूंगा कि आप यहाँ से नो नो भर के ले जाएं, जिससे कि आपको वहाँ किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो जो सेकंड पॉइंट दिया गया, आप यहाँ से सेकंड पॉइंट को देखें। हैव यू और इमीडिएटली फैमिली मेम्बर केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ए कन्फर्म केस ऑफ द कोरोना वायरस इन द लास्ट 14 डेज, आपके कोई फैमिली का मेम्बर किसी कोरोना वायरस का जो मरीज़ था उसके क्लोज में नहीं आया है करीब करीब 14 दिन से। तो आप यहाँ क्लोज का मतलब भी बताया गया है, क्लोज मीन्स बींग ए डिस्टेंस ऑफ लेस देन 1 मीटर फ्रॉम मोर देन 15 मिनट्स, अर्थात 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर से कम दूरी पर रहो और 15 मिनट से अधिक रहो। तो यहाँ आपको यह ऑब्जेक्शन इसके लिए दिया गया, आई हैव बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ए कन्फर्म केस ऑफ द कोरोना वायरस इन द लास्ट 14 डेज। तो आप यहाँ से भी नो करके ले जाएं, आप यस बिल्कुल ना करके ले जाएं। इसमें यह दिया गया है कि आप पिछले 14 दिनों से किसी कोरोना वायरस के संपर्क में तो नहीं आए हो, किसी कोरोना वायरस का जो मरीज था उसके संपर्क में तो नहीं आए हो, तो आप यहाँ से नो करके ले जाएं। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भी दी गई है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जितने भी मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो मेरी नॉलेज में है सबसे बेस्ट हैं, और यदि किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम्स शो होता है तो जो COVID-19 का जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसको तुरंत ही वहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो यहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं, यहीं आपको डेट भी लिखना है और प्लेस भी लिखें। तो डेट आप उस तारीख को ही लिख के ले जाएं जिस तारीख का आपका एग्ज़ाम है, या फिर एक दिन पहले की तारीख भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो प्लेस आप अपना भर के ले जाएं, आप किस स्थान से बिलोंग करते हैं। तो नोट में दिया गया है, जो इंडियन एयरफोर्स साफ साफ कह रहा है कि हम इस प्रकार के किसी कैंडिडेट को ना ही एंट्री देंगे जिसको इस प्रकार के सिम्टम्स हैं, जिससे कि हमें आगे आने वाले समय में किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो यही है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको यही सब कुछ भरना है। आप यहाँ से आई हूँ, मेरी फर्स्ट सजेशन यही है, नो नो करके ले जाएँ, जिससे कि आपको वहाँ किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या भर के ले जाना है और क्या भर के नहीं ले जाना है। तो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखें, क्योंकि आपका सबसे पहले जब आपकी एंट्री होगी तो सबसे पहले आपका बॉडी का टेम्परेचर ही चेक किया जाएगा। तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर 37 अप्रोक्स होना चाहिए, 37 के अप्रोक्स ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा 38 तक भी चल सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इन बातों को ध्यान में रखें। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, नमस्कार। और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सब्सक्राइब समय प्राप्त हो जाए।